ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। साथ ही बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें शाहजहांपुर, फेवी, दौरा, सीतापुर सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। वहीं अगर बात करें तो हरदोई, मिश्री, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा में भी मतदान जारी है। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में भी लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर आज चौथे चरण का मतदान जारी है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में भी लगातार वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में लगातार मतदान जारी है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगर सीट पर वोटिंग जारी है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा में भी लगातार वोटिंग हो रही है। अमलापुरम, राजमुंद्री, नरसापुरम, एलरू में मतदान जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर में भी लगातार वोटिंग हो रही है। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। नरसावा, वपेट, बापटला, ओंगोल, नंदयाल में वोटिंग लगातार जारी है। कुर्नूल, अनंतपुर, हिंदपुर, कडप्पा में भी वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान हो रहा है। नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट और चित्तूर में भी लगातार वोटिंग हो रही है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। अनंतपुर, जलगांव, रावेर, जालना में लगातार वोटिंग हो रही है। औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर में भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज अहमदनगर, शिवनी और बीड सीट पर भी वोटिंग हो रही है। आज चौथे चरण को लेकर ये लोकसभा चुनाव का मतदान है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर सीट पर लगातार आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगूसराय और मुंगेर में भी मतदान जारी है। ये बिहार की सीटों की बात कर रहे हैं जहां 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो 4 लोकसभा सीटों पर आज उड़ीसा में वोटिंग हो रही है। कालाहांडी, नवरंगपुर, बहरामपुर और कोरापुट में भी मतदान जारी है। झारखंड की 4 सीटों पर आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा में वोटिंग जारी है। पलामू लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट श्रीनगर में वोटिंग हो रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिलाबाद, पेद्यापल्ली और करीमनगर सीट पर वोटिंग हो रही है। निजामाबाद, हैदराबाद, मेड़क, मलकाजगिरी में भी मतदान जारी है। सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवल्ला, महबूब नगर में भी वोटिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर, कुर्नूल, नलगोंडा, भोंगीर सीट पर मतदान जारी है। ये तेलंगाना की लोकसभा सीटें आपको बता रहे हैं। वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम सीट पर भी मतदान हो रहा है। आज चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं अगर उन सीटों की बात करें तो बहरामपुर, कृष्णानगर, राडाघाट सीट पर वोटिंग जारी है। साथ ही आपको बता दें कि वर्धमान, कोरबा, वर्धमान, दुर्गापुर सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम सीट पर भी लगातार वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का ये मतदान हो रहा है। देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही बता दें कि यूपी की 13 सीटें इसमें शामिल हैं।